smarties, welcome back in this session. And definitely we are going to have some good questions today. Level up questions are as usual. So without making any further delay, we will directly come to the question. But before that, one line long ago that I used to say again, I would love to say that जब आप नहीं पढ़ रहे होते तो कोई पढ़ रहा होता है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब आप सो रहे होते हैं तब कोई जग रहा होता है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं। 74 और 26 मोर टू गो एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज इन इंग्लैंड। क्या बात है, इसका ऑथर कौन है? लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर माई पेन बिकॉज दैट विल मेक सम सेंस। ओके, गॉट इट। चलिए, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज इन इंग्लैंड। इसका लेखक कौन है? यहाँ पर 1759, वैसे जॉन गे, ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर ट्विस्ट, जॉनसन मीन्स डॉक्टर जॉनसन। अगर आप देखें तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आपको केवल एक जगह कन्फ्यूजन हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी कन्फ्यूजन होना चाहिए। और ऑल इज वेल, आई थिंक, क्या कोई डाउट है? देखिए, दरअसल मसला क्या है, ये 1759 देख रहा है, तो 1759 केवल दो जगह, दो लोगों को आप एसोसिएट कर पाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि 1785 के आसपास जॉनसन की डेथ हो गई है। ओलिवर क्रॉमवेल तो पहले थे, आपको पता है, वो रेस्टोरेशन एज में थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करें तो अगर हम देखें 1728 से 1774 के आसपास ये इनका लाइफ स्पैन रहा। इसे डेजर्टेड विलेज जो इनकी कविता थी, या सी स्टूप्स टू कॉन्कर जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी था, उसके लिए आप जानते हैं, द गुड नेचर्ड मैन, तमाम रचनाएं थी। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ इज द करेक्ट आंसर। सो ये आप ध्यान रखना, ओलिवर क्रॉमवेल नहीं है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है। और थैंक यू सेसी टू लेट मी नो ऑल इज वेल। ओके, ओलिवर गोल्डस्मिथ इज द राइट आंसर। जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन इज नो, ही इज नॉट रिटन लाइक एनी थिंग। जॉन गे, थ्री पेनी ओपेरा वगैरह आप जानते हैं। तो आई थिंक कि कई लोग गलत कर दिए, मैंने सोचा ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, जब आप पहले क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाते हैं तो एग्जाम में, तो जब आपका पहला सवाल हो, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में हो और एग्जाम दे रहे हो, आपको पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपका मूड नेगेटिव हो जाता है, और आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा तो समझ रहे हो, ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले दो तीन क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो भी गलत होने के चांसेस है। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, घबराना नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट होता है, ऐसा नहीं है। अब कहोगे सर सचिन तेंदुलकर जीरो पे आउट हुए होंगे, ऐसे थोड़ी कि पहले गेंद पे ही आउट हो गए। जब क्रिकेटर पहले गेंद पे आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है, और सचिन 5 बार गोल्डन डक हुए हैं, जानते हैं नहीं, पहली गेंद पे ही आउट, मतलब मैच शुरू पहली गेंद पे आउट, तो वो तो जिसको भगवान कहते हैं क्रिकेट का, वो आउट होता है। सचिन तेंदुलकर 11 बार केवल एक रन बना के आउट हुए, 14 बार तो जीरो पे आउट हुए टेस्ट मैच में, 20 बार वनडे मैच में जीरो पे आउट हुए, और 5 बार गोल्डन डक हुए। गोल्डन डक मतलब मैच की पहली ही गेंद पे जब वो फेस किए आउट। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे सर दोबारा तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन के बाद उसके बाद भी 124 क्वेश्चन बचे रहेंगे, तो घबराना नहीं चाहिए आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिश ये रहे कि जब पहला क्वेश्चन टफ हो तो थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करो। वैसे टफ रहता नहीं, आप ज्यादा सोच लेते इसलिए टफ हो जाता है। आगे की बात करेंगे हम, ठीक है, तो मजा आएगा साहब। और ओलिवर क्रॉमवेल का नाम आप जानते हैं, जो आप चार्ल्स फर्स्ट के फांसी होने के बाद कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें ओलिवर क्रॉमवेल कॉमनवेल्थ पीरियड जो रहता है वही रहता है। जॉन गे का नाम आप बेगर सोपेरा के लिए आप जानते हो, थ्री पेनी ओपेरा तो ढूंढने ने किया है, हाँ उनका नाम बर्टोल्ड ब्रेक्स्ट है। टू द नाइटिंगेल इज अ सोनेट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन एंड शेली। ध्यान रहे, ये सारी क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूं। देखिए, तुक्के से सही हो जाए तो ये भी खराब बात नहीं है, ओवरऑल आपका एग्जाम में सही होना चाहिए ना।
अब आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये ओएमआर सीट को थोड़ी ना पता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने करेक्ट किया, करेक्ट। और तुक्का भी उसी का सही होता है जो ज्यादा पढ़े रहता है। ऐसे तुक्के सबके सही भी नहीं होते, नहीं आ रहा है तो ज्यादातर तुक्के अगर आपने नहीं पढ़े तो गलत ही होगा। अब ज्यादा पढ़ लिए हैं तब तुक्के सही होने लगते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। वेन आई यूज टू अपीयर फॉर द सेम, वैसे ये नहीं कह सकते कि यूज टू अपीयर, एक ही बार अपीयर हुआ उसके बाद तो डिसअपीयर हो गया वहां से, समझ रहे हैं, फिर जरूरत नहीं पड़ी ना। तो यहां पर देखिए, ये वर्ड्सवर्थ नाम का सोनेट कौन कर रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने लिखे? अरे यार तुम लोग तो मेरी नाक कटवा दोगे, सीनू बहुत मार पड़ने वाली है आपको, ठीक है, अगर आप लोग मिस्टेक कर दोगे। चूंकि ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं। देखो ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा है? ओड टू नाइटिंगेल लिखा है, ओड टू नाइटिंगेल लिखा है इन्होंने, ठीक है। और टू द सोनेट, टू द नाइटिंगेल नाम की सोनेट लिखी है जॉन मिल्टन ने। किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने। मजेदार बात है कि मिल्टन्स फर्स्ट सोनेट, ये मिल्टन की पहली सोनेट मानी जाती है, मिल्टन्स फर्स्ट सोनेट। गॉट इट? कोई शक है? अब है तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। और शेली ने ऐसा कोई सोनेट लिखा नहीं है, हाँ। तो मुझे लगता है कि जॉन मिल्टन, अब जाके आंसर कई लोगों ने दिया है लेकिन पहले कुछ और दे दिया, मतलब दो सवाल और दोनों सवाल में ज्यादातर लोग फ्लॉप। कोई बात नहीं, सचिन तेंदुलकर भी फ्लॉप होता है दुनिया, लेकिन सचिन तेंदुलकर के टेम्परामेंट को लोग कभी नहीं भूलेंगे। उनका टेम्परामेंट ये था कि स्टीव बकनर जानबूझ के उनको आउट देता था, और पता नहीं क्या उसके कुछ लोगों को परेशानी होती है। अब सचिन जैसे क्रिकेटर से अगर किसी को परेशानी है, स्टीव बकनर एक अंपायर हुआ करता था, आई डोंट नो ही इज अलाइव और नॉट, अब शायद अंपायरिंग नहीं करता, नाउ ही इज रिटायर्ड। वो सचिन से उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो हर मैच में जानबूझ के उसे आउट दे देता था, कंधे से भी जाए तब भी उसे कट के रूप में आउट दे देता था। अब क्योंकि अंपायर इज अंपायर, पहले और पहले वो रिव्यू, वो जो रिव्यू सिस्टम वगैरह था पहले तो हो नहीं पाता था, वो बाद में आया मैच में, ठीक है। तो सचिन ने काफ़ी झेला, ऐसे नहीं कह सकते। तो चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट देखें। टू लिव अ लाइफ हाफ डेड, क्या बात है, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड, एक ऐसा जीवन जीना जो आधा मरा हो, अमॉर्टाइज्ड हो, अ लिविंग डेथ, क्या बात है, अ लिविंग डेथ की बात करें। खैर यहां पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें अ लिविंग डेथ में, तो आपको प्राइमा फेसी ऑक्सीमोरन मिल जाएगा, वैसे और कई फिगर ऑफ स्पीच मिल सकते हैं आपको, लेकिन प्राइमा फेसी लिविंग डेथ में क्या है, जैसे लिविंग डेथ, तो लिविंग यहां पर एडजेक्टिव हो गया, लिविंग डेथ, और डेथ नाउन हो गया, और ये जो है एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीमोरन के। लेकिन ये पूछता है लाइन कहां से है, पैराडाइज लॉस्ट की है, पैराडाइज रीगेंड की है, कोमस की है, और सैमसन अग्निस्ट की है। तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि लिविंग डेथ मतलब टू लिव अ लाइफ हाफ डेड, एक ऐसा जीवन जो अधमरा जीवन हो गया है उसका, जैसे मरे के समान है। अब मरे को क्या मारना ना? हाँ, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी साहित्य में एक निबंधकार रहे, उन्होंने लिखा है एक रचना, देन आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, देन आई हैड लर्न सर्टेन बायोग्राफीज, जिनको जीवन परिचय के रूप में जानी, इंट्रो पढ़ता था उसमें उनका था, मरे को मारे उनकी एक रचना थी। तो यहाँ पर क्या वही है, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड, अ लिविंग डेथ, मतलब कैसे एक डेथ, जीवन वाली डेथ है, मतलब मरे हुए के समान ही जीवन है, क्या बात है। कौन कह सकता है ऐसा है? जो आंखों से अंधा कर दिया गया, जिसकी पावर बालों में रहती थी, और डलीलिया ने उसको अपने प्रेम पाश में फंसा करके उसकी शक्ति को मतलब दुश्मनों के हवाले कर दिया। वही इसराइल और पैलेस्टीन की बात है, इसराइल और पैलेस्टीन का लफड़ा आज भी चल रहा है। तो ये क्या है, सैमसन एग्निस्ट, आप जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्लोजेट ड्रामा है, दिस इज अ क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा वॉज रिटन नॉट टू बी परफॉर्म्ड, रादर इट वॉज रिटन टू बी संग आउट लाउडली। ये लिरिकल ड्रामा, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिरिकल ड्रामा, और क्लोजेट ड्रामा, दिस इज नॉट क्लोजेट ड्रामा, दिस इज क्लोजेट ड्रामा, ठीक है, गॉट इट। Moving to the next one, who wrote the essay, the art of fiction,
who wrote the essay, I have given some clue so that you may answer pretty well. Henry James, William James, Virginia Woolf, E.M. Forster. Okay. Out of these one has written The Art of Fiction, and in response of this, there was also an essay, The Craft of Fiction. Right? You are saying Henry James, most of you are saying Henry James. And fortunately, Henry James is the right answer. Right? William James ka naam isliye jante hain, the principles of psychology ke liye aap jante hain. Principles of psychology ke liye aap jante hain. Dono bhai bhai the. Virginia Woolf, E.M. Forster, kahin na kahin they have told the line actually given by Henry James, William James. तो ये चौथा question आपका हो गया सही, ठीक है? ये तो clear हो गया कि fourth question is okay. आगे की बात करें हम. Who wrote T.S. Eliot An Imperfect Life? क्या बात है? ये किताब किसने लिखी? T.S. Eliot, कुल मिला के एक बायोग्राफी हो. T.S. Eliot, An Imperfect Life, एक अपूर्ण जीवन, क्या बात है? Imperfect Life नाम का बायोग्राफी किसने लिखा और 1998 में आई. तो हेलन गार्डनर ने क्या लिखा है? द आर्ट ऑफ T.S. Eliot. इन्होंने लिखा है द आर्ट ऑफ T.S. Eliot. इन्होंने लिखा है द आर्ट ऑफ T.S. Eliot. ठीक है? नो, नॉट जस्ट 48 में था. द आर्ट ऑफ T.S. Eliot, लिंडल गॉर्डन, फ्रैंक करमोड, आर्थर साइमंस एक बहुत बड़े सिंबलिस्ट हैं, और W.B. Yeats वगैरह जो उसमें आते हैं सिंबलिज्म में, ये फ्रेंच सिंबलिज्म सिंबलिस्ट हैं, जिसमें अर्नेस्ट डाउशन वगैरह हैं, ठीक है, लॉयनल ट्रिलिंग वगैरह है. तो यहां पर क्या है? योर आंसर इज व्हाट? लिंडल गार्डन, ठीक है, इज द राइट आंसर. द आर्ट ऑफ T.S. Eliot, सॉरी, द आर्ट ऑफ T.S. Eliot तो हेलन गार्डनर का है. दिस इज बाय हेलन गार्डनर एंड दिस इज बाय दिस वन. गॉट इट? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. तो मजा आ गया, नया मिलेगा. मैंने पहले कहा था कुछ चीजें तो आपको देता ही हूं, उन कुछ चीजों के बदले बस आपका वक्त लेता हूं. और आप ये मत कहना सर दुनिया में वक्त ही तो नहीं है लोगों के पास. ये फिलोसॉफिक बातें नहीं करनी चाहिए आदमी के पास वक्त ही वक्त है. अगर वो मोबाइल छोड़ दे, रील जो आप रील देखते हो ना, रील्स, एक रील देखोगे, दो रील्स देखोगे, बहुत ज़्यादा टाइम किल करता है. तो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि सर जैसे आप कहते हैं लोगों को कि मोबाइल ना देखा करिए, आप भी बहुत देखते हैं, आप भी मत देखा करिए. तो मैंने कहा बात में दम है, लेकिन दरअसल मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, तो आप देखा करिए. दरअसल मैं रील्स नहीं देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, मैं बड़े बड़े वक्ताओं को ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. अभी हाल ही में मैंने हराल्ड ब्लूम के लगभग 4 से 5 इंटरव्यू देखे, सुने, पूरा बढ़िया सा, और एक एक घंटे का इंटरव्यू है तमाम. उसमें द वेस्टर्न कैनन से लेकर के और जो और भी किताबें जो उनकी आई जितनी, सब पे मैंने पढ़ा देखा. तो अब सुनते रहते हैं, क्या किया जाए. तो ये जो है आपका मजेदार हो गया. आगे की बात करें. ग्रेस वॉज इन ऑल हर स्टेप्स, हेवन इन हर आईज, इन एवरी जेस्चर, क्या बात है, डिग्निटी एंड लव, दीज आर लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट बुक 8, पैराडाइज लॉस्ट बुक 9, पैराडाइज लॉस्ट बुक 11 एंड पैराडाइज लॉस्ट बुक 12. तो ये तो क्लियर हो गया कि ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की है. बट नाउ यू हैव टू आंसर वेरी प्रिसाइजली फ्रॉम विच बुक द लाइन्स आर टेकन. गॉट इट? दिस इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस, एनीवन कैन गेट
fumbled and bungled in such questions. Right? Not to worry, but there are certain lines that are very popular, that are very catchy. You have to keep them in mind and you have to mug up those lines in which book they appear. There is no shortcut for them. You just have to mug up. Got it? Now, this is Paradise Lost, book 8. Ye Paradise Lost ke book 8 mein aati hai line. Theek hai? Aage ki baat karte hain, ye book D. Dekho yahan par, dekho is tarike ke sawal mein aapke chances hain ki aap phans jaoge. तो उसका एक बेहतरीन है कि उसको रिवीजन ही एक उसका सब्स्टिट्यूट है. सब्स्टिट्यूट तो रिवीजन सब चीज का है, लेकिन ठीक है. ये सारे सवाल मैं पहले भी तो करा चुका हूँ ना. सारे सवाल मतलब नहीं तो कम से कम इसमें से जो पूछ रहा हूँ 50 या 70% तो करा ही चुका हूँ. देन टू यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग. एंड वट इज दैट? यू हैव टू फाइंड इट आउट कि वट इज एक्चुअली मिसिंग फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम मी. I was, I am, and don't know about what will happen. Among the following wrote what happens in Hamlet. Kya baat hai? Inme se kisne likha ki what happens in Hamlet? Kisne likha hai? Margaret Atwood, J. Dowd Wilson, Harold Bloom, Stephen Greenblatt. Kisne likha hai what happens in Hamlet? Please. ठीक है. व्हाट हैपेंस इन हैमलेट? हु रोट? देखो यहां पर जेड और बिल्सन आंसर दे दिया है. किसने दिया है सबसे पहले? ओके, ये लोग दे रहे हैं भाई, तो ठीक है. कुल मिला के 5-6 लोगों ने दे दिया है, तो किसी एक का. ठीक है प्रभा शंकर जी, आई विल जस्ट आई हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, डोंट वरी. I will just guide you by speaking to you someday personally. Publicly कुछ चीज़ें मैं नहीं दे सकता, उसकी कुछ सीमाएं हैं. और उसमें एग्जाम आ जाए तो उसमें कुछ करना नहीं है, जितना जानते उतना ही पर्याप्त है. कुछ केवल टिप्स को फॉलो करोगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा. वो वोकैब के और ग्रामर के लेवल पे आपका कैसे है? तो यहाँ पर क्या है, जॉन डावर वेल्शन जो है, इन्होंने फॉर्च्यून जो है, फॉलस्टाफ का फॉर्च्यून वाला जो लिखा है वो भी लिखा है. हाँ, फॉलस्टाफ्स फॉर्च्यून, फॉर्च्यून ऑफ फॉलस्टाफ 1944 में आई थी. यस, तो ये और भी कई इस तरीके की कई किताबें लिखी है. हराल्ड ब्लूम ने जो शेक्सपियर इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन, स्टीफन ग्रीनब्लैट जानते हो, अभी हाल ही में बताया था. हाँ, हैमलेट इन परगेटरी, मार्गरेट एटवुड, क्या बात है, गर्टूड टॉक्स बैक, सुना है कि नहीं? तो सब ने कुछ ना कुछ लिखा है शेक्सपियर के बारे में, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ पता है. आगे की बात करते हैं. हु रोट द बुक शेक्सपियर्स लैंग्वेज? ये किताब किसने लिखी है, शेक्सपियर्स लैंग्वेज नाम की किताब किसने लिखी? ठीक है, एसी ब्रैडली, हराल्ड ब्लूम, अर्च गोल्ड स्मिथ, फ्रैंक करमोट. शेक्सपियर्स लैंग्वेज, शेक्सपियर की भाषा. Who among the following wrote what happens in Hamlet? Sorry, ये कहाँ से पूछ लिया? Who among the following, who wrote the book Shakespeare's language? Shakespeare की language नाम की किताब किसने लिखी है? सालू बता रही हैं कि ये फ्रैंक करमोट है. जी, very good. इट इज बाई फ्रैंक करमोट, नो डाउट, एक क्रिटिक है. हराल्ड ब्लूम और ए सी ब्रैडली सब ने कुछ ना कुछ शेक्सपियर के बारे में लिखा है, तो दिस इज अ वेरी पर्सनल मैटर टू जज एंड टू सर्च इट आउट ऑन योर ओन, राइट? और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सवाल है, और ये नेट लेवल में भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको डोंट गेट कन्फ्यूज. I do wonder everywhere, swifter than the moon's sphere. क्या बात है? These lines occurring. तो Pericles, Pericles, the Prince of Tyre, Midsummer Night Dream, Romeo and Juliet, King John. तो Pericles जो है, it was
एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो. ये जो फर्स्ट फोलियो आया था, फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था. कारण इसका था, क्यों नहीं शामिल किया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में जो आता है वो क्यों नहीं शामिल किया गया था, क्योंकि ऑथरशिप जो थी इसकी डाउटफुल थी. और पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर, मिडसमर नाइट ड्रीम में एक कैरेक्टर आता है पक. कौन आता है? पक. इसी से एक एडजेक्टिव बनता है पकिश. तो पक नाम का फेरी जो है, एक फेरी है, वो ये बात कहता है, एक्ट टू में कहता है, एक्ट टू में कहता है, सीन वन में कहता है, एक्ट टू और सीन वन में कहता है, ये आपको ध्यान देना है. तो ऑब्वियसली इट्स अ मिडसमर नाइट ड्रीम. और इस प्ले को द मोस्ट सिली एंड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माय लाइफ, सैमुअल पीप्स नाम के, जिसको पेपीज आप पढ़ते हो, पीप्स नाम के डायरिस्ट ने ये बात लिखी है. लंडन फायर वाले जो लंडन फायर मतलब अपनी डायरी में जिक्र करते हैं, 1666 वाला जो लंडन वो था फायर वाला, उसको. अब आगे की बात करें, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डिफॉर्म्ड अनफिनिश्ड सेंट बिफोर माई टाइम इन टू दिस ब्रीदिंग वर्ल्ड स्कार्स हाफ मेड अप दिस लाइन्स अकर इन. ईजी क्वेश्चन, बिकॉज इसके पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं और आसान सवाल है. ठीक है, तो हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन, हेनरी फिफ्थ, सारे के सारे प्लेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. और यहाँ पर जो है हेनरी है, लेकिन सॉरी रिचर्ड है और रिचर्ड थर्ड है. हंच्ड बैक यही है, हंच्ड बैक यही है, कुबड़ा, हंच्ड बैक जो होता है ऐसे, है ना, हंच्ड बैक. ठीक है, तो यही है. डिफॉर्म्ड मतलब जो कुरूपित हो गया हो, डिफॉर्म्ड हो गया, अंग भंग हो गया हो ना, उस तरीके से. और ऐसे कभी कभी कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो जाते हैं बॉडी में तमाम चीज़ें. तो दीज आर द थिंग्स नॉट टू बी, हालांकि भाई अब थोड़ा सा है फिजिकली आदमी उस तरीके से नहीं दिया. आगे की बात करें हम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड कॉमिकल. ये कॉमिकल का क्या महत्व है, इस अगर सवाल को हम पूरा करें तो हम यहां पर थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर देते हैं. वैसे दैट मेक्स नो सेंस, बट कर सकते हैं हम अगर करना चाहें तो हम थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आंसर हमारा. यहाँ पर हम लिख देते हैं इन मैकबेथ, बात खत्म. ठीक है, तो ये क्वेश्चन की प्रकृति सही बन जाएगी, तब तो कोई डाउट नहीं रहेगा. तो ये क्लियर हो गया कि ये कौन, ये आता मैकबेथ में है. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड कॉमिकल इन मैकबेथ, इट इज द प्लेस वेयर डोनाल्वेन फ्लेड. ये वो स्थान है जहां पर डोनाल्वेन भाग गया है. ठीक है, और इट इज द सीक्रेट प्लेस वेयर द मर्डर वॉज वेल प्लान्ड. ये वो स्थान था जहां मर्डर को वेल प्लान किया गया था. इट इज द रॉयल बरियल प्लेस ऑफ द रॉयल पर्सन. इट इज द नेम ऑफ मैलकम्स पैलेस. क्या बात है. तो यहां पर अगर आप देखें तो मैलकम का कोई पैलेस तो था नहीं, तो बरियल प्लेस है जो स्कॉटिश राजाओं के लिए होता है. तो क्या है, इट इज द होली बरियल प्लेस ऑफ ऑल द रॉयल पर्सन्स, इट्स कॉल्ड कॉमिकल. अभी समझ लेना है, इस तरीके के शब्द अगर फ्रेज कभी कभी आते हैं और तो माय गॉड. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए. हाँ सही हो जाते अच्छी बात है. आगे की बात करें, द कैरेक्टर टर्न फॉर अ पर्सन ऑफ मटीरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज कॉल्ड. ये जो बात करी है उन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री में, फिलिस्टीन, बार्बरस,
नोमैड, अनार्किस्ट, क्या बात है? अनार्किस्ट का मतलब वही कि मतलब जैसे आपने देखा होगा ना अनार्किस्ट, जैसे वो दुष्यंत कुमार की कविता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हाँ, हो कहीं भी आग, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। इस कविता को माध्यम से आपके सीएम साहब, वहाँ के दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब, अपना आंदोलन शुरू कर दिए, आम आदमी का आंदोलन करके सीएम बन गए। मैं उस सीएम बन गया, उससे मुझे कोई मतलब मुझे तकलीफ नहीं है। वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं कि नहीं है वो दिल्ली के लोग बेहतर बताते हैं, और अच्छे नहीं होते तो उनको चुनते क्यों बार बार? अगर वो चुन रहे हैं तो फिर दिल्ली वाले नहीं अच्छे हैं, तो अलग इशू है। लेकिन वो कविता जो है दुष्यंत कुमार की, बहुत ही मतलब टच करने वाली है। तो अनार्किज्म का मतलब ये अनार्किस्ट, वो अपने आप को अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना अनार्किस्ट, और वो कई प्रकार के अनार्किस्ट होते हैं। भगत सिंह भी अपने आप को अनार्किस्ट कहते थे, तो अराजकतावादी हिंदी में अगर आप उसको कहें, तो आप अनार्किस्ट नहीं बनना चाहिए। वी हैव टू बी अ गुड सिटीजन एंड वी हैव टू बिकम गुड सिटीजन एंड बी आ, मुझे लगता है कि हम अपने अपने काम को कर रहे हैं इसलिए हम हैं। तो यहाँ पर क्या है, नोमैडिक नेचर जो अनार्किस्ट कह दिया, नोमैडिक नेचर का मतलब थोड़ा सा घुमंतु पेरिपेटेटिक टाइप का है, आज यहाँ कल वहाँ। जैसे नोमैडिक हीरो होता है, जितने भी पिकरेस्ट नॉवेल होते हैं सब में नोमैडिक हीरो होता है, हीरो फ्रॉम दैट नॉवेल जस्ट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड जस्ट शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस इन एपिसोड कि यहाँ पर ये हुआ यहाँ पर वो हुआ। हालांकि इज नॉट हीरो इन प्रॉपर सेंस, फिलिस्टीन इज जस्ट लो ब्रो, एक प्रकार का लो ब्रो आदमी होता है। और यहाँ पर है लो ब्रो जो ये फिलिस्टीन होता है, मिडिल क्लास, बारबरस, एरिस्टोक्रेटिक, पॉपुलिस्ट, वर्किंग क्लास, तीन प्रकार के तीन शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। A small descriptive poem in which the machinery and conventions of epic proper are used in the treatment of previous themes called as. Okay, पहली बात तो है ग्रामर गलत हो गया, कार्ड के बाद एज नहीं लग सकता कभी, अगर लगा है कहीं तो पहली बात तो गलत होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर किताबों में सड़क छाप में लिखा रहेगा, तो पहली बात ये मैं ग्रामर आपका सही कर दे रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप करिए खूब करिए। हाँ सही मैं बता देता हूँ, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड, मॉक एपिक एंड नन ऑफ दीज, तो ये भी एक आसान सा सवाल हो गया। तो मॉक एपिक कम से कम आपने एक तो पढ़ा होगा ना, रेप ऑफ द लॉक पढ़ा है, द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा ना 1712 और 1714, तो पहली बार दो कैंटों में आया, फिर तीन कैंटों और बढ़ के आया, फिर पांच कैंटों हो गए, तो रेप ऑफ द लॉक आपने पढ़ी है। ठीक है, व्हाट डायर, इस तरीके से लाइन है, व्हाट डायर कॉजेज फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग, देखो मैं लाइन बोल गया उसकी ना, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग, इस तरीके की लाइन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कैसे बोलूं? ठीक है, आगे की बात करें, सही पढ़ा था यार, व्हाट डायर कॉजेज फ्रॉम एमरस, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग। ठीक है, व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, मैं सही था लेकिन थोड़ा सा। तो एपिक पोएम हो गया, और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, अ सिंगल पर्सन स्पीक्स, एक व्यक्ति रहता है वो एक साइलेंट ऑडियंस के सामने बोल रहा होता है, और जो बोल रहा होता है वो निश्चित रूप से ही कवि नहीं होता है। अगर वो कवि हो गया तो फिर वो ड्रामेटिक लिरिक हो जाएगा। यू कैन जस्ट हैव एन एग्जाम्पल फ्रॉम टिंटर नेवी, टिंटर नेवी ड्रामेटिक मोनोलॉग कई जगह लिखा रहता है लेकिन वो गलत है, वो ड्रामेटिक लिरिक हो जाएगा। ठीक है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डिचेज आप जानते हैं। ठीक है,
Just are the ways of God and justifiable to man unless there be who think not God at all. ये मतलब खुदा भी can never be in the situation to read the calendar of God. हम कभी भी खुदा के उस कैलेंडर को नहीं पढ़ सकते जो उसने हमारे लिए बनाया है. We may claim of having so many connection with God. What actually Martin Luther did long, long ago, and before him, it was done by John Wycliffe. कि nobody can be the mediator between you and the God. Right? आप एक किलोमीटर आप बाहर निकल के देखिए और तमाम पेड़ पौधों को देखिए तो all the varieties and differences that you find in each and every tree, bushes, birds, whatever you see, everything was created by God. God is nature, nature is God. Right? तो जो चीजें होती हैं और अब ये जो है God at all, unless there be who think not God at all, तो God तो होता है. अगर आपको ये पता चले कि दुनिया में बुरे लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं, तो दुनिया में अगर शैतान रहे हैं तो भगवान भी रहे हैं. दैट्स वेरी सिमिलर. हाँ ये है कि आप उस गॉड को किस रूप में आप देखते हैं. हाँ आप पर्ची काट सकते हैं, कटवा सकते हैं, आप डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हैं मार्टिन लूथर की तरह. मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट कर दिया ना कैथोलिक, वही तभी से तो जो क्रिश्चियनिटी दो भागों में बढ़ गया, एक कैथोलिक हो गया फिर प्रोटेस्टेंट रिलीजन हो गया. तो प्रोटेस्टेंट यही कहता है कि भाई ये खुदा के बीच और हमारे बीच कोई, अब वो खुदा कैसे है जो सिर्फ अंग्रेजी जाने यार, वो जीजस अगर हैं, जीजस अगर गॉड के सन है तो उनको दुनिया की सारी भाषाएं पता होगी ना. तो पहले क्या था, बाइबल लैटिन में था, और बाइबल जब लैटिन में था तो आम आदमी लैटिन पढ़ता नहीं था. अब वो जो प्रिलेट्स थे या जो इक्लिजियास्टिकल पर्सनैलिटीज थी, वो जो बता दें कि इसका मतलब यही हुआ, ये करोगे तो वही आम आदमी करता था. द सेम थिंग हैपेंड इवन इन इंडिया. एवरीथिंग वॉज रिटन इन संस्कृत एंड इट वॉज ओनली लॉर्ड बुद्धा हु जस्ट डिलीवर्ड हिज सर्मन्स ओनली इन लोकल लैंग्वेज पाली. और ठीक है, तब जाके आम लोगों की भाषा में उन्होंने डिलीवर किया, वो कम्युनिकेट कर पाए. तो खुदा जो होता है ना, ही नोज एवरी लैंग्वेजेस. जब हम आदमी होंगे चार पांच भाषाएं जा सकते हैं. हमारे देश के एक प्रधानमंत्री, द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, कभी लंबा टेन्योर रहा उनका भी, उनको पता है लगभग 26 भाषाएं पता थी और सी कुड स्पीक वेरी फ्लुएंटली. भारत की लगभग सारी बोलियों की जितनी भाषाएं 22 जो हमारे संविधान में, वो सारी पता थी. अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, क्या पढ़ते थे यार ये लोग. ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे, हालांकि विदेश में ऑक्सफर्ड में भी ड्रॉप आउट रही हो. जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफाइबल. तो ये क्या है, सैमसन एग्निस को ले लीजिए, ये कह रहा है. ठीक है, आगे की बात करें तो मजा आ गया आपको. डंकन्स बॉडी वॉज कैरीड टू चर्च कॉमकेल टेम्पल सिटी. बहुत आसान सा सवाल उठा लिया यार मैंने. आदमी मर जाएगा तो चर्च जाएगा कि जिंदा रहेगा तब चर्च जाएगा, पहले ये बता दो. मर जाएगा तो चर्च जाएगा कि चर्च यार्ड जाएगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. चर्च एंड चर्च यार्ड, तो चर्च में तो जाएगा नहीं, बरियल प्लेस. यहाँ पर कॉमकेल का नाम आया था मैकबेथ में, तो वैसे भी ऑप्शन सही हो गया आपका. ठीक है, हु रोट दिस फॉर स्पेंसर एंड दैट जेंटल बार्ड. क्या बात है, एंड दैट जेंटल बार्ड चोजन बाई द म्यूजेस फॉर देयर पेज ऑफ स्टेट स्वीट स्पेंसर. क्या बात है, आई कॉल्ड हिम ब्रदर, इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड. ये लाइन किसने कही है, हु रोट फॉर स्पेंसर, स्पेंसर के लिए किसने कहा है? पोप ने कहा है, एलियट ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है. कहाँ कहा है, इन द प्रिलूड में कहा है. कहाँ कहा है, प्रिलूड में कहा था. ठीक है, इतना तो आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत है या नहीं, खूब
मजे से सीख रहे हैं आप लोग। अच्छा, आज जो है सब लोग नवरात्रि में चले गए हैं क्या? नवरात्रि तो कल से लग रही है। मे गॉडेस दुर्गा जस्ट फुलफिल ऑल योर विशेस, राइट। और अपनी अपनी आस्था की बात होती, मुझे लगता है कि मानना चाहिए। केशव द्विवेदी, क्या बात है दुबे जी, ये जो दो वेदों को जानता है उसे द्विवेदी बोलते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके नाम के आधे द्विवेदी लिखा है, दो वेदों के दो लाइन भी ठीक से नहीं जानते। हाँ, इंग्लिश में अपने जिस विषय के वही, उनको दिस दैट में ठीक से अंतर नहीं पता है, वो भले 4 साल पढ़ लें, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो केशव द्विवेदी जैसे लोग हैं जो सब कुछ जान लेते हैं। क्यों केशव जी, आपका नाम ही केशव है, लॉर्ड कृष्णा, तो केशव जी लगे रहिए, मतलब पढ़ते रहिए, परेशान मत होइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉक्स इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ द मोस्ट, अब वर्ड्सवर्थ को सबसे ज्यादा किस रचना ने प्रभावित किया? अगर आप बात करें तो वी हैव ऑप्शन विलियम गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, सेलीज क्वीन मैब, बायरन्स इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, नन ऑफ द अबव। अगर आप बात करें तो हु इन्फ्लुएंस, तो 1793 में एक बुक आई थी जो पी वी शेली की ससुर भी बाद में बने, इनकी बेटी की, आप जानते हैं इन्हीं की बेटी थी वो मैरी शेली, और ये जो 1793 में आई थी पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है याद कर लेना, और तो बाकी ठीक है। क्वीन मैब भी उनकी एक फिलोसॉफिकल मोस्ट फिलोसॉफिकल बाय शेली, हालांकि एक कम उम्र तक जिए। इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ, सॉरी हाँ सही है, मैं शेली के बारे में बताने के, लेकिन वर्ड्सवर्थ किससे प्रभावित थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो वर्ड्सवर्थ प्रभावित थे विलियम गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से, ठीक है, शेली के जो फादर इन लॉ रहे। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाए ना। आगे की बात करें, हु कंसिडर शेली एज अ ब्यूटिफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज लूमिनस विंग्स इन वेन, क्या बात है, अपने चमकदार पंखों को व्यर्थ में फड़फड़ाने वाला एंजल बताया था, और एक प्रभावहीन और खूबसूरत एंजल, उनको एक प्रभावहीन और खूबसूरत एंजल जो गलत दिशा में या बेकार में अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, ऐसी बात करते हैं। जॉनसन ने कहा, एलियट ने कहा, ऑर्नल्ड ने कहा, वॉल्टर पीटर ने कहा, और ये सवाल जितना ही आसान है हर बार आ जाता है। मैं बता दूं, अगर पीजीटी में 125 क्वेश्चन है तो 125 क्वेश्चन में आप मान के चलो कि 40 क्वेश्चन जितने लोग अपीयर होते हैं सबका सही रहता है, 40 क्वेश्चन लगभग सबका, मतलब कोई इतना भी बेकार नहीं रहेगा, और 40 से 60 के बीच पढ़ने वालों का होता है, और 60 से 80 के बीच जो होते हैं ना ठीक ठाक पढ़ने वालों के लिए, और 80 से 100 के बीच जो होता है जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। अब कहोगे सर इसी में तो सिलेक्शन हो जाता है, हाँ सीरियस वालों को हो जाता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, हम लोगों की कैटेगरी थी ना इसमें थी, मतलब 125 तो हो नहीं सकता था, 100 से 120 वाले के लिए प्रिपेयर करते थे। दरअसल क्या होता है, द प्रॉब्लम ओनली अराइजेस व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय कैटेगराइजिंग योरसेल्फ कि आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी एंड माय स्कोर शुड बी लाइक दिस एंड आई विल जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस, हियर द प्रॉब्लम अराइजेस। आप कभी अपने आप को इस उद्देश्य से मत पढ़ो कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कैटेगराइज करके मत पढ़ो कि मेरे लिए तो इतना काफी है, ये पढ़ोगे तो होना नहीं है। आप 125 में ना मार के आऊंगा साला 125, देखते क्या होता है, और मार के आओगे तो मतलब पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। क्या ऐसे ही मतलब आपको लगा कि क्या सचिन तेंदुलकर के गुरुजी जो थे रमाकांत आचरेकर, उनको सब सिखा दिए थे क्या? अगर सिखा दिए होते तो सचिन फिर आप देखिए लगभग 34 बार जीरो पे आउट होता है बंदा, 5 बार तो पहली ही बॉल पे आउट हो गया, और 11 बार तो ऐसा आउट हुआ कि 1 रन बना के आउट हो गया। तो रमाकांत आचरेकर ने बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई थी, सचिन ने इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रोवाइज का मतलब खुद बनाया, जब उन्हें लगा कि मतलब शोएब अख्तर की गेंद आ रही है और ऐसी गेंद जा रही है डायरेक्ट कीपर के पास आ रही है, बाउंस कर जा रहा है, और सचिन वैसे भी छोटे कद के थे, तो उस जमाने में अपरकट रमाकांत आचरेकर था, तो ये उन्होंने खुद बनाया अपरकट, बाद में सहवाग ने उसको कॉपी किया, सबसे बेहतर दो ही लोग खेल पाए मेरी नजर में सचिन और सहवाग, अपरकट, उनसे अच्छा कोई खेल नहीं पाया, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ,
वो तो बाकी कोई कैसे भी मार दे, दाएं बाएं अलग हो जाए, तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तैयारी इसके लिए करो, कभी अपने आप को बांटो मत कि आप इस कैटेगरी में हो तो आपको इतना चाहिए। जैसे मेरे ग्रुप में जो मेरी लॉबी रही, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बेरोजगार है, कई तो बड़े बड़े पद पे है। और जब हम लोग पढ़ा करते थे 2006-7-8 का दौर था, उस दौरान इतने अगर कोचिंग टाइप के लोग थे तो कोचिंग वोचिंग से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका खुद ही नहीं सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग क्या पढ़ाते थे। तो इस स्तर पर हम लोग तो इतने समझदार थे कि जो इसका खुद ही नहीं हुआ तो हमें क्या पढ़ाएगा, ये हो गया। तो उस हम 4-5 मित्र थे, और हैं वी स्टिल वी आर फ्रेंड, ये अलग बात है, कम बात होती है। उसमें से एक दो तो GIC के प्रिंसिपल बन गए, हाँ, और जो नहीं बने हैं वो ठीक ठाक पद पे चले गए, और ज़्यादातर टीचर ही हैं। तो उसमें क्या होता कि होड़ लगी रहती थी, रात के 12 बजे लगे फ़ोन करके पूछते थे, यार अच्छा ये बता आज क्या है कैरेक्टर। जब ज़्यादा आंसर आने लगे तो कैरेक्टर पूछने लगते थे, चार्ल्स डिकेंस का कैरेक्टर पूछ लो किसी नॉवल का, आदमी फंस जाएगा। तो और पढ़ते थे हम लोग। तो ग्रुप स्टडी करना अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ग्रुप अच्छा हो, वफादार हो, और वफादार ग्रुप होता नहीं है। आपके साथ रहने वाला चाहता है कि आपका ना हो और उसका हो जाए, और जो ऐसा चाहता ना उसका तो होता ही नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो पता नहीं यहाँ लाइव हैं कि नहीं, वो कह रहे थे, एक लड़की थी, उसने कहा हाँ पेपर तो बड़ा अच्छा हो, मेरा हो जाएगा तेरा नहीं होगा, दोनों का नहीं हुआ। किसी हमने कहा घबरा मत, अब की बार तेरा हो जाएगा उसका नहीं होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी के बारे में। आप किसी की परिस्थिति को नहीं जानते, किन हालात में क्या कोई पढ़ रहा है, किन किन प्रॉब्लम्स को झेल रहा है, तो यू कैन नॉट जज वन एग्जाम, कैन नॉट जज योर होल कैलिबर ना। हाँ आपका दिन खराब था, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर मौका देगा, बस लगे रहना होगा। हाँ जीवन भर मौका मत लो भाई, एक दो बार बहुत मौका होता है। ठीक है, आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर, योर्स नेवर विल सेड फेरर टू फियरर, They are looking for you, said hearer to horror. क्या बात है, These lines are an example of, आपको पता है जैसे कि मैंने बताया है, और ये ऑडन की कविता है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। कहोगे सर कॉन्सोनेंस कैसे पता है, भाई मैंने बताया था ये पीटर पैटर, मतलब रिपीटेशन ऑफ वॉवेल बट विद अ चेंज ऑफ इंटरवीनिंग वॉवेल, जैसे पीटर है देन पैटर, ठीक है, पीटर पैटर। एक अब कहोगे पीटर पैटर है क्या, पीटर पैटर का मतलब क्या है, पीटर पैटर मींस जो बारिश होती है ना, बारिश कभी कभी क्या होती है, बारिश कभी कभी क्या होती है, एकदम धूप निकला है और बारिश हो रही है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सियार की शादी हो रही है, और अंग्रेज लोग कहते हैं मंकीज वेडिंग, कुल मिला के कहते वही हैं, वो लोग थोड़ा सा बंदरों जैसा सोचते हैं, हम लोग सियार जैसा सोचते हैं, अंदर इतना ही, मंकीज वेडिंग, उसे मंकीज वेडिंग होती है। पीटर पैटर का मतलब तड़ तड़ करके बरसना। तो जब आप देखो जो मंकीज वेडिंग होती है वो पीटर पैटर वे में ही होती है, धूप निकले तड़ तड़ करके बरसता है फिर चला जाता है। आपने देखा है कि नहीं, आपने कभी ऐसा फील किया कि आप बाइक चला रहे हो या पैदल जा रहे हो, अचानक धूप निकली है, तड़ तड़ करके बारिश होता है, बस बमुश्किलन एक मिनट या डेढ़ मिनट या दो मिनट के लिए बारिश होती है, फिर वो बारिश खत्म हो जाती है, फिर धूप का धूप बना रहता है। तो हम लोग कहते हैं सियार की शादी हो रही है हमारे यहाँ, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मंकीज वेडिंग, इट्स मंकीज वेडिंग। अब जो भी आप कहते हो वो आप जानो। तो यहां पर क्या है, ये पीटर पैटर देख रहा हो, आई और ए रिपीटेशन वॉवेल का है लेकिन विद चेंज टिट या कुछ भी इस तरीके का। जैसे यहां पर देखो राइडर रीडर वॉवेल चेंज, रिपीटेशन ऑफ साउंड है बट विद चेंज ऑफ इंटरवेनिंग वॉवेल। यहां पर क्या है फेरर फियरर, कॉन्सोनेंट सेम आ रहा है, वॉवेल चेंज हो रहा है। इन द सेम वे हियरर एंड हॉरर,
एच आ रहा है दोनों में, लेकिन वोवेल चेंज हो रहा है। तो ये है। आगे की बात करते हैं हम, इट इज कॉन्सोनेंस। व्हाट इज द माउस ट्रैप? तो माउस ट्रैप द मर्डर ऑफ गंजागो, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जिक्र सुना होगा, मर्डर ऑफ, वो कहते ना हैमलेट कहते ना, प्ले इज द थिंग आई विल कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग, वो नाटक करता ना, प्ले विद इन प्ले, नाटक के अंदर नाटक कराता है ताकि वो जान पाए कि उसके बाप का असली कातिल कौन है हैमलेट में। तो कोई दिक्कत वाली बात तो यहां भी नहीं है, ठीक है। आगे की बात करें हम तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ द कैसल ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के कैसल का नाम क्या है? स्कोन, इनवरनेस, गोलगोथा, क्या बात है गोलगोथा के जी, सारे शब्द जो है कहीं ना कहीं ये मैकबेथ में आते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैंने कर दिया, अभी तो ऐसे गड़बड़ होता है। इनवरनेस जो है वो मैकबेथ के कैसल का नाम है, ठीक है, ये आप जानता है, जानना आपको आसान था। ये जॉनसन फ्रेज अबाउट शेक्सपियर्स फेटल क्लियोपेट्रा, फेटल क्लियोपेट्रा, उन्होंने क्लियोपेट्रा क्या थी, क्लियोपेट्रा खूबसूरत थी, एंटोनी उसके पास, मतलब दोनों के बीच अफेयर हुआ, दोनों चलता रहा, और फेटल इसलिए थी घातक थी उसके चक्कर में, हालांकि खुद भी कुर्बान हो जाती है उसकी मोहब्बत में, मर जाती है खुद भी क्लियोपेट्रा विवाद में, और दोनों की कब्र वो सांप से कटवा के मर जाती है अब खुद को, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घातक रहती है। तो एक फिगर ऑफ स्पीच को डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर की लैंग्वेज के लिए कहा था, क्या कहा था, फॉन्डनेस फॉर सिमली। तो उन्होंने ये जो पन का, शेक्सपियर वाला पन इस्तेमाल करते हैं, पन का मतलब होता है जिसे डबल मीनिंग, पन का मतलब होता है एम्बिगुअस मीनिंग। यू माइट हैव वॉच्ड अ मूवी खलनायक, उसमें एक गाना था जो काफी विवादों में रहा, व्हाट इज बिहाइंड दिस दिस दिस, आई एम नॉट सेइंग द वर्ड टैब, व्हाट इज बिहाइंड योर बॉडीज। तो वो जो है गाना बड़ा वो पन का एग्जाम्पल है, इनफैक्ट वो विवादों में रहा काफी, इस तरीके से बॉलीवुड में विवाद होते रहते हैं, और हालांकि उसमें विवाद जैसा कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि आम आदमी को वही दिख रहा है जो समझ पा रहा है ना, एक हिडन मीनिंग, डबल मीनिंग वाला, तो उसको पन होते हैं। पन का मतलब क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है, क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड्स। पन को और भी नाम से आप जानते हैं, जैसे लास्ट में नाम आया था इक्विवोक करके आया था, ठीक है, तो इस नाम को भी आप जानते हैं पन, ठीक है, मतलब इसमें एम्बिगुटी रहती है, ठीक है, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी आपने पढ़ा ही है। असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, क्या बात है, ये जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, वेयर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, या इस थीम कहां पर मिलती है, ऑब्वियसली पैराडाइज लॉस्ट में मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। आगे की बात करेंगे हम, हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, क्या बात है, ठीक है, हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, पॉपुलेशन स्मोकी सिटी, दिस इज अ पोएम बाय फॉलोइंग रोमांटिक्स रूट, किसने लिखा, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, किस ने लिखा है, कॉलेज ने लिखा है, और वैसे एक नॉवेल है हेल इज अ सिटी, नेट वाले ध्यान देंगे, हेल इज अ सिटी एक नॉवेल है, वो यहीं से टाइटल लिया गया है, 1960 में आई थी, मॉरिस प्रॉक्टर की है, नेट वालों के लिए ये जो लिख रहा हूं वो नेट के लिए है, ठीक है, मॉरिस प्रॉक्टर की नॉवेल है ये, ठीक है। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, पीटर बेल द थर्ड, पीटर बेल को क्रिटिसाइज किया है शेली ने, पीटर बेल द थर्ड में इस पोएम में, हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, पॉपुलेशन स्मोकी सिटी, तो ये बात कही है पीवी शेली ने कही है, ठीक है, पीटर बेल द थर्ड में, ठीक है, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉवेल भी आप पढ़िए, नॉवेल भी याद कर लीजिएगा, दैट विल मेक सम सेंस। वाइज फूल्स इन शेक्सपियर इज अ बुक बाय जेसी रैंसम,
वाइज फूल्स इन शेक्सपियर 1955 वाइज फूल्स इन शेक्सपियर इज अ बुक बाई, ये किताब है जिसका नाम है वाइज फूल्स इन शेक्सपियर। जॉन क्रोरेंसम ने लिखा, एफ आर लिविस ने लिखा, हराल्ड ब्लूम ने लिखा या आर एच गोल्डस्मिथ ने लिखा। ठीक है, प्लीज बी क्विक टू रिस्पॉन्ड। आप बताइए नाउ। देखो आर एच गोल्ड स्मिथ का रॉबर्ट हेल स्कूल में स्मिथ, ये कई बार इसके पहले भी हो चुका है इस तरीके का सवाल। और ये अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग टू इज कॉल्ड, कॉल्ड के बाद एज नहीं लगता, ये जान लेना। तो ये जो है क्या है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं आप, हाइपोलेजी नाम से जानते हैं। जैसे मैं कहूँ स्लीपलेस पिलो, तो स्लीपलेस पिलो की बात करेंगे तो यहाँ पिलो थोड़ी ना स्लीपलेस है, द पर्सन इज ना। या जैसे द प्लाउमैन प्लॉट्स इज वेरी वे, या जैसे टी एस एलियट का द फॉरगेटफुल स्नो, इस तरीके की बात अगर आप करें तो ट्रांसफर्ड एपिथेट, एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिए गए। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे मैंने बता ही दिया। तो द प्लाउमैन प्लॉट्स इज वेरी वे, किसान थका हुआ है, रास्ता थोड़ी ना थका हुआ है। आगे की बात करें, हु बिलीव दैट नेचर इज द सेंट्रल लैंग्वेज विच गॉड अटर्स, क्या बात है, नेचर वही है जो गॉड है, गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड, ऐसा स्पिनोजा ने कहा था, बेनेडिक्ट स्पिनोजा, जिन्होंने पैंथिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत ही फिलोसॉफिकल, ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल, राइट। हालांकि बावजूद इसके उन्होंने सब चीज में खुदा देखा, बावजूद इसके उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको बहिष्कृत कर दिया गया, जीवन भर गरीबी और मुफलिसी में जी। बाद में उनकी फिलॉसफी को आइंस्टाइन ने माना भी। आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि डू यू बिलीव इन गॉड मिस्टर आइंस्टाइन, ही सेड यस आई बिलीव इन स्पिनोजाज गॉड, हाँ मैं खुदा में विश्वास तो करता हूँ, आई डू बिलीव बट इन स्पिनोजाज गॉड, ये उनका। अब ऐसा कोई स्पिनोजा ने कोई नई बात नहीं कहती, अगर हम दूर में देखें तो कबीर में भी वही फिलॉसफी है ना, कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे मन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो ये बात ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल, तो पहले ही कबीरदास जी ने कह दिया था, बट हमें कोरिलेट करना होता है। तो जब आप लेमैन की भाषा में बात करेंगे तो दूर तक समझ जाएंगे। खैर, स्पिनोजा के कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और इतने जॉर्ज एलियट तो इतने उनसे प्रभावित थे कि उनकी एक उनकी रचना जो थी जिसका नाम था एथिक्स 1956 में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन भी किया जो काफ़ी मशहूर हुई। जॉर्ज एलियट, मैरी एनी मॉन्स, वो नाम पुरुष वाला रखा था क्योंकि विक्टोरियन एज में ऐसे ही चल रहा था। वो तो वर्जीनिया वुल्फ को आप भला कहिए, हाँ प्रोफेशंस फॉर वेमेन जो उन्होंने लिखा या लेक्चर दिया, एंजल इन द हाउस को, किल द एंजल इन द हाउस, ठीक है। तो ये बात कही थी एस टी कॉलरिज ने दिया था। हाँ, थोड़ा सा महिलाओं को मुझे लगता है कि एक एक्सपोजर की ज़रूरत है देश में, अपने देश में, दूसरों वैसे और भी जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ तो होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ तो भाई फिर उनका खुदा नाराज़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर, इंडिया में होना चाहिए, इंडिया में आप काफ़ी हो भी रहा है, अच्छा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम हंगर इंडेक्स पर नीचे जा रहे हैं। आगे की बात करें, द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर कौन है, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस किड, थॉमस लॉज, ये सब के सब जो हैं यूनिवर्सिटी विट हैं, यूनिवर्सिटी विट जो हैं, ये सब के सब यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ये आपको पता है, गॉट इट माय डियर। और मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये रॉबर्ट ग्रीन ने दिया था, कम से कम इनका, इन्होंने शेक्सपियर पे आरोप लगाया था प्लेजरिज्म का, बिनो अप स्टार्ट क्रो कहा था, ब्यूटिफाइड विद आर ओन फेदर,
इस तरीके का आरोप लगाया था। जोहानस फैक्टोटम भी इन्होंने ही कहा था, दे लिव्ड इन स्क्वेयर्स पेंटेड इन सर्कल्स एंड लव्ड इन ट्रायंगल्स हु हैव बीन रिफर्ड दस। ऐसा किसको रिफर किया गया है? मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, प्री रेफलाइट्स, कैवालियर पोएट्स एंड बेकलिप फॉलोअर। वैसे बेकलिप फॉलोअर को आप लोलार्ड्स कहते हैं, लोलार्डिज्म जो है लोलार्ड्स, ठीक है। बेकलिप के फॉलोअर को क्या कहते हैं? लोलार्ड्स। बेकलिप पहले बंदे थे जिन्होंने क्या कहते हैं बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, जो पहले लैटिन में था, इन्होंने आम भाषा में, लेमेन की भाषा में अंग्रेजी में करी। तो यहां पर क्या है, अगर आप बात करें, वो स्क्वेयर्स में रहते थे पेंटेड इन सर्कल्स, तो ये बात हुई है ब्लूम्सबरी ग्रुप के लोगों के लिए हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लव्ड इन ट्राइंगल्स, तो ये जो है प्रेराफ्लाइट्स की बात नहीं करेंगे, ब्लूम्सबरी ग्रुप की बात करेंगे हम। हाँ, प्रेराफ्लाइट्स पेंटर थे तो आप लोगों ने उसी पर लगा दिया ना। हाँ, नहीं जानते रहोगे दिक्कत हो जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर द कॉलोनाइजर इन द टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट है उनका एक लास्ट कंप्लीट प्ले है, अगर आप कहें शेक्सपियर का, और इसे ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। इसे ड्रामा ऑफ कल्चर कहा जाता है, लास्ट प्ले है तो इसे स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, ठीक है। लास्ट कंप्लीट प्ले है, दिस लास्ट कंप्लीट प्ले। और यहाँ पर कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज, पोस्ट कॉलोनियल थियरी जब आप पढ़ते हैं तो जो जैसे अंग्रेजों ने हमें हम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आया और उस पर यहाँ कॉलोनी बनाई, तो हम लोग कॉलोनाइज्ड हो गए और वो लोग कॉलोनाइजर हो गए। कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर के बीच ये संबंध है कि कॉलोनाइजर से एक प्रकार का शोषक होता है, और जो कॉलोनाइज होता है वो शोषित होता है, तो समझ जाओ मामला। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरो कॉलोनाइजर है और कैलिबन क्या है? कॉलोनाइज्ड है, ठीक है, समझ गए माजरा। आगे की बात करें, अच्छा हो गया अब क्या? अच्छा 30 हो गए यार, मैं समझ नहीं पाया, मैं सोचा अभी और है, तो कोई बात नहीं। मे गॉडेस दुर्गा जस्ट फुलफिल ऑल योर ब्रिसेज दिस ईयर एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। हालांकि कुछ ऐसे भी ड्रीम्स हों जो आपको बर्बाद कर दें वो ना सच हों। हाँ देखो, आदमी की तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव, जो दुनिया में अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं। एक होता है डिकॉन्स्ट्रक्टिव, वो भी अच्छा है, डिकॉन्स्ट्रक्टिव माइंड का होना भी अच्छा है। कम से कम आप कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ नया ढूंढ के आप करते हैं, डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, जो लोगों से हट कर करते हैं वो डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव माइंड, ये डिस्ट्रक्टिव जिसको हिंदी में कहते हैं विध्वंसक, तो ऐसे लोगों को कुछ हो नहीं सकता। तो अब आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हो, चॉइस। कंस्ट्रक्टिव ठीक है, डिकॉन्स्ट्रक्टिव मेरी नज़र में सुपर है, और विध्वंसक तो बनो ही मत। धन्यवाद।